हम शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की, जिसमें काव्य पाठ और संवाद के लिए जन सरोकार मंच टॉक को मैं बहुत बहुत हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब और मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। छोटे मोटे मंचों पर पहले मुझे कई मौके मिले, लेकिन जो आज आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात करते हैं आज काव्य पाठ और संवाद में, सर्वप्रथम अपनी कविताओं की तो मैं बात करूँगा ही सही। हमारे जीवन में जितने भी समस्याओं से हम जूझते हैं, अपने कई तरह के विचारों के साथ में हम अपने अंतर्द्वंद में लगे हुए रहते हैं, अपने हृदय से जिन चीज़ों को हम लोग नकारते रहते हैं, शायद वही चीज़ें हमारी कविता के जरिए हमारे मुख से हमारे अंतर्मन से निकल पड़ती है और यही चीज़ें हमारे लिए हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच प्रदान करने का कारक भी बनती है। तो सबके पहले तो मैं अपना परिचय, एक सामान्य सा परिचय है आपका बच्चा हूँ कि जिस छोटे से परिवार से निकलकर और मैं आपके सामने यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस छोटे से परिवार के मेरे परम पूजनीय माताजी और पिताजी को मेरा सशक्त नमन। सर्वप्रथम साहित्य प्रेमी मेरे पिताजी ने मुझे जीवन में सदैव इस साहित्य के प्रति इतना लगाव देने के मतलब लगातार मुझे इस साहित्य के प्रति उत्साहित होने का मौका देते रहे और कभी जीवन में जिस माँ के लिए जिस पिता के लिए जीवन में कई बच्चे इस तरह से अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने जीवन में अपने परिवेश में आगे बढ़ने के लिए जो हमेशा कोसते रहते हैं, आज उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए मेरे माता पिता सदैव हमेशा और हमेशा के लिए वंदनीय पूजनीय और प्रेरणास्पद रहेंगे। तो सर्वप्रथम तो मेरा उनको नमन, मेरे प्रभु को नमन, मेरी माँ शारदे को नमन, कलम की देवी को नमन, मेरे काव्यधारा में जो भी सहयोगी बने उन सभी को मेरा प्रणाम। नेमीचंद माउरी निमय, निमय मुझे दोस्तों ने कहा शुरू किया तो निमय मेरा निकनेम भी बन गया और आज मैं निमय के नाम से ही अपनी कविताएं भी लिखता हूँ। तो बूंदी जिले राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ कि मेरे शहर की मैं बात ही क्या कहूँ, मेरे शहर की मैं क्या बात कहूँ कि लंबी सी चौपाटी है और अद्भुत सी घाटी है मेरी बूंदी, जो कवियों और लेखकों की जन्मस्थली रही है, जहाँ बहुत बड़े कवि जो देश का एक तरह से सहभागिता देने वाले, देश के साहित्य में बहुत अपार सहभागिता देने वाले हमारे सूर्यमल जी मिश्रण की जो जन्मस्थली रही, जहाँ कर्मस्थली रही उस बूंदी जिले का, उस बूंदी की धरती का मैं एक छोटा सा अदना सा कवि हूँ। तो कि लंबी सी चोटी है, एक चौपाटी है, यहाँ अद्भुत सी घाटी है, अरे लोग बड़े दिलदार यहाँ और खाते चूरमा बाटी है, कि मेहनत कस मजदूर यहाँ स्वामी भी दिलदार हैं और बाजारों की चमक बड़ी फिर भी चलते कलदार हैं, कि ऊंच नीच का भेद नहीं यहाँ हर कोई दिलवाला है, कि ऊंच नीच का भेद नहीं यहाँ हर कोई दिलवाला है और सारी दुनिया में यारों मेरा प्यारा शहर निराला है, मेरा बूंदी शहर निराला है। तो उस बूंदी की पावन धरा को भी मेरा सशक्त नमन, और कि हम अपनी जननी को कभी भुला नहीं सकते, चाहे हम यहाँ रहें, चाहे इस देश में रहें, चाहे इस माटी पर रहें या कहीं पर भी रहें, लेकिन हम अपनी माटी के लिए सदैव ऋणी रहते हैं। उस ऋणी होने के उस को सिर्फ हम अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करके उस देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो देश के लिए कि इश्क तो कई लोगों को होता है इस जिंदगी में, जब वो शुरुआत से अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इश्क होता है, और इश्क होने की कुछ वजहें होती है, वजहें कुछ इस तरह की होती है कि या तो आप उस सामने वाले प्रेमी के, उस प्रेसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, या आप उस प्रेमी के प्रेम में पड़ जाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसकी दिल में, जिसके अपने अंदर एक जज्बा होता है अपने देश का, वह अपने आसपास भी वैसा परिवेश चाहता है। तो इसी के ऊपर मेरा एक शायरी कि गुफ्तगू उनसे कीजिए जो खेले अपनी जान से, कि गुफ्तगू उनसे कीजिए जो डरे अपने ईमान से, कि गुफ्तगू उनसे कीजिए जो खेले अपनी जान से, कि बंदगी उनसे कीजिए जो
डरे नहीं ईमान से। और इश्क करने की तुम बिल्कुल भी शर्त मत रखना यार, कि इश्क करने की तुम बिल्कुल भी शर्त मत रखना यारो, बस याद रखना कि इश्क उन्हें भी हो अपने प्यारे हिंदुस्तान से, इश्क उन्हें भी हो अपने प्यारे हिंदुस्तान से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने प्यार के चक्कर में, अपने प्रेमी के चक्कर में पड़े हुए हो, अपने प्रेम में पड़े हुए हो, तो निश्चित रूप से एक बात याद रखने की होती है कि हमेशा और हमेशा अपने वतन के प्रति, अपने वतन परस्त लोगों से दूरी बनाकर अपने वतन प्रेमी लोगों के साथ में रहिए। तो यहाँ हम बात करते हैं, आज एक छोटा सा संवाद है हमारा, कि कविता वास्तव में उपस्थिति कैसे है। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं जो जुड़ी हुई होती है, उन घटनाओं का एक व्याख्या है हमारी कविता, हमारी गुजारिश है कविता, हमारे अंतर्मन से उपजे भाव है कविता, हमारे आसपास के परिवेश से जो समस्याएं हैं, प्रेम करुणा वात्सल्य और हमारी कि हमारे जीवन में कविता का महत्व क्या है और कविता कैसे उपजति है उस कविता के लिए। कि हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे कई सारे दोस्त हमारे साथ में मिलते हैं, कई सारे रिश्तेदार हमारे साथ में मिलते हैं, लेकिन एक हीन भावनाओं को लेकर जो हमेशा सकार नकारात्मक भावनाओं का पीछा करता रहता है, जो नकारात्मक भावनाओं के पहलू को समझ नहीं पाता है, जो नकारात्मक भावनाओं को सदैव अपने अंतर में छिपाए रखता है, उसका हमेशा और हमेशा कविता के साथ में कोई संबंध नहीं हो सकता है। यदि हम बात करें एक कविता के उत्पन्न होने की, तो जहाँ हमारे पेज के अंदर हाशिए पर खिसकने वाले लोग होते हैं, जो नकारात्मकता के साथ में चलते हुए अपने आप को लगातार उस परिवेश के साथ में जोड़ते जाते हैं, नकारात्मक परिवेश के साथ में जोड़ते जाते हैं, तो उनके अंदर से ना तो किसी भी प्रकार के साहित्य के प्रति लगाव रहेगा, ना वह अपने जीवन में कभी भी आगे वो प्रगतिशील होने की कोशिश करेगा। क्योंकि यदि आप एक बार हारना सीख गए तो निश्चित रूप से आपको उस हार का कोई पीछा नहीं छुड़वा सकता है, लेकिन यदि आप में एक छोटा सा अंकुर भी सकारात्मकता का पैदा हो गया तो वह सकारात्मकता का अंकुर आपको रचनात्मक बनाएगा, आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी देगा और हर क्षेत्र में आपको उस बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेगा। इसीलिए मेरी एक छोटी सी कविता कि हर कदम पर उम्मीदों की सांस भरता चल। यदि व्यक्ति सकारात्मक नहीं है, उसके जीवन में सकारात्मकता नहीं है, तो निश्चित रूप से ना वह अपने परिवेश को सकारात्मक ढाल पाता है और न ही अपने आप अपने से जुड़े हुए लोगों को वह आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाता है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मेरी एक कविता कि हर कदम पर उम्मीदों की सांस भरता चल, अरे वक्त के तराजू पर तू विश्वास करता चल, छद्म रूप धर कर बहाने असफलताएं आएंगी, विवशता और कर्महीनता के आयाम भी वो लाएंगी, फिर गर्त में ना झांक ना फिर ना रोक सकेगा कोई छल, हर कदम पर उम्मीदों की सांस भरता चल, तू वक्त के तराजू पर बस विश्वास करता चल। तो इसी से जुड़ी हुई हमारी आज की शिक्षा के ऊपर मैंने कुछ एक कविता लिखी है कि हम लोग जिस शिक्षा सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं, जिस हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं, ये क्या वास्तव में हमारी महत्वाकांक्षा जो आकांक्षाएं थी हमारे एक उस तबके से गरीब तबके की, अपने बच्चों के प्रति स्नेह दिखाते हुए जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को दिखाने के लिए और उनसे जुड़े हुए सरोकार को, उस सरोकार जन सरोकार के साथ में उनसे जुड़ने के लिए हमारे पास में उस शिक्षा के प्रति क्या दायित्व है और क्या हम समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, इसी के लिए हमारी एक कविता है कि रूप बदलती हुई शिक्षा कैसी है हमारी, उस रूप बदलती हुई शिक्षा का। क्योंकि एक कवि जो होता है, एक कवि और लेखक हमेशा और हमेशा के लिए समाज से भी जुड़ा हुआ रहता है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ रहता है, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, अपने देश से जुड़ा हुआ रहता है, और उन्हीं सरोकारों को जब आप एक युवा मन के अंदर, एक नई जगती हुई पीढ़ी के अंदर जब ये चीज़ें आने लगती है, तभी हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के सपने देख सकता है। तो यही कुछ चंद पंक्तियाँ आपकी दाद चाहिए, क्योंकि जब तक दर्शक श्रोतागण कुछ वाहवाही नहीं करते, जब तक उनका उस कवि के प्रति, उस सुनाने वाले के प्रति रुझान नहीं दिखता, तब तक मन से जैसे एक भावनाएं नहीं निकल पाती है कि नहीं यार इनको कुछ बहुत अच्छा देने की कोशिश करें। तो आपसे भी निवेदन है मेरा सभी से, जो भी लाइव नहीं आए वो भी लाइव आने की कोशिश करें। और मेरी ये कविता कि शिक्षा
शिक्षा वह शिक्षा जो नसीब नहीं दुनिया के हताहत दलित और कुलीन वर्ग को, अरे क्योंकि बस उसके पास नहीं किताब खरीदने के पैसे। हे भी तो मेला कुचेला गंदला फटासा बैग जिससे घृणा करते हैं शहजादे सहपाठी, अरे फटी हुई ड्रेस है जिसमें से अनायास दिख पड़ते हैं उसके बाल, और या फिर खिन्न घृणा का कारण है उस अबोध की गंदी से दिखने वाली माँ। कौन है उस नादान पंछी की मजबूरी का जिम्मेदार? जी हाँ, अनायास ही लुढ़क जाते हैं कपोलों पर दो मोती। क्या यही है ज्ञान की पराकाष्ठा? क्या यही है उन्मुक्त गगन में पंछी को सिला? शिक्षा वह हो रही है जो बनावटी पंछी खा रही है, या बना रही बर्बर हिंसक आतंक की परछाई? पर बदलना होगा हमें, परिभाषित करना है फिर से, क्योंकि शिक्षा प्रतिदर्श है संस्कारों का, शिक्षा प्रतिदर्श है संस्कारों का, बिंब है विश्व का और अध्याय है सदियों का, एहसास है स्वतंत्रता का। वही वह कहीं मूर्त है तो कहीं अप्रस्तुत है, पर अज्ञेय तो नहीं शिक्षा। शिक्षा अधिकार ही बने ताकि फिर से कोई दलित दारुण विचलित नहीं हो, ताकि कोई फिर से दलित दारुण विचलित नहीं हो। तो कुछ ऐसे हमारे संवाद जो शिक्षा के प्रति एक युवा मन में आते हैं, बड़े लोगों के मन में आते हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा हमारे क्षेत्र में हमारे लिए और हमारी पीढ़ी के लिए उतनी कारगर अभी तक साबित नहीं हो पा रही है। तो एक कविता अपने देश के वतन के नाम कि हम लोग जिस वतन में रह रहे हैं, जिस वतन की खा रहे हैं, उस वतन की नहीं गा पा रहे हैं, कि अमन के नुमाइंदे आज अमन के मोहताज हो रहे हैं। उन अमन के नुमाइंदों के लिए मेरी ये कविता कि कौन कहता है, कौन कहता है कि चांद में कोई दाग नहीं है? अरे चांद की अय्याशी में तो तारे अय्याश हो रहे हैं, अरे चांद की अय्याशी में तो तारे अय्याश हो रहे हैं, अरे जो बजाने चले थे लेकर अमन की दुंदुभी, आज वही मेरे यारों अमन के मोहताज हो रहे हैं, आज वही मेरे यारों अमन के मोहताज हो रहे हैं। कि जुर्म करने वाले नेताओं के रिश्तेदार हैं, जी हाँ, कि जुर्म करने वाले नेताओं के रिश्तेदार हैं, भुखमरी की बेला में भिखारियों की भरमार है। अरे कुचला जा रहा है हर पल भावनाओं को, कुचला जा रहा है हर पल भावनाओं को, दोस्तों के भेस में दगे बाज हो रहे हैं, अरे अमन के नुमाइंदे आज अमन के मोहताज हो रहे हैं। मेरे वतन की मिट्टी में दुश्मन तड़ी पार है, जी हाँ दोस्तों, आज पाकिस्तान और चीन जो हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि हम अपने अमन के लिए उतने ईमानदार नहीं बचे हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि कोई अपने घर में घुसकर हमारे को धमकी देकर चला जाए। तो हमारी ऐसा नहीं है कि हमारे देश के हमारे लोग देशभक्त नहीं रहे, लेकिन कुछ की वजह से कि कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो उसी के लिए मेरी ये चार पंक्तियाँ कि मेरे वतन की मिट्टी में दुश्मन मिट्टी लेकर दुश्मन तड़ी पार है, अरे केसर की क्यारियों में बारूदी व्यापार है, सीमा पर चौकस माता के लाल खड़े हैं, उसी रखवाली के होते हुए भी वतन के दाम हो रहे हैं, अरे अमन के नुमाइंदे आज अमन के मोहताज हो रहे हैं। सरेआम लूटी जा रही है बेटियों की इज्जत, देवी जैसी नारी की कर दी कोड़ियों में कीमत, सावित्री के सत को दांव लगाने वाले आज ढूंगी सत्ते काम है, अरे द्रौपदी के चीर हरता दुशासन अनाम हो रहे हैं, अनम अमन के नुमाइंदे आज अमन के मोहताज हो रहे हैं। कि स्वतंत्रता आगामी झूठे तमगों में खुश है, जी हाँ दोस्तों, देखिए आप कि आज भले एक देशभक्त मर जाता है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर पाते, एक देशभक्त के लिए हमारी चार पंक्तियाँ नहीं निकल पाती, एक कोई भी हम उनके लिए दो पंक्तियाँ निकालने के लिए चार शब्द बोलने के लिए आगे नहीं आता है, लेकिन जब एक नेता मरता है या नेता के किसी भी प्रकार की हमारे देश के उन लोगों विरोधियों के खिलाफ विरोधियों की बातें होती है तो उनके लिए हमारे कई पंक्तियाँ निकल जाती है, लेकिन जो देश का नहीं वो किसी का भी नहीं। तो इसके लिए हमारे लिए कि स्वतंत्रता के आगाजी आज झूठे तंबों में खुश है, महंगाई के तकिए बिस्तर में आदमी की हवस है, अरे गोरों की चाकरी नहीं फिर भी आदमी गुलाम है, आदमी के गोश्त के भूखे आदमखोर इंसान हो रहे हैं, अमन के नुमाइंदे आज अमन के मोहताज हो रहे हैं।
अरे अमन के नुमाइंदे आज अमन के मोहताज हो रहे हैं कि कहाँ गुम हो गई होली की रंगतें। आज त्योहार त्योहार नहीं रहे दोस्तों, आप अपने आसपास देख लीजिए परिवेश में, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे वो न त्योहार रहे न वो बातें रही। परिवर्तन सदा होते रहे हैं, परिवर्तन होते रहेंगे, यही तो बातें रह गई दोस्तों। तो इसी के लिए कि कहाँ खो चुकी है दिवाली की जगमग, कहाँ खो गई है होली की रंगत, कहाँ गई मस्तक पर वो विजय की रोली, कहाँ नजर बंद है उन मतवालों की टोली। अरे जुर्म करने वाले दागी भी आज बेदाग है, विष्की में विष्णु और रम में राम हो रहे हैं, कांटों के बीच में गुलाब भी सरताज हो रहे हैं। तभी तो मेरे यारों आज अमन के नुमाइंदे अमन के मोहताज हो रहे हैं। यहाँ दोस्तों तो ये कविता उन लोगों के लिए एक सबक है जो अपने वतन के लिए वतन परस्ती करते फिरते हैं। और रही बात कि एक कवि और शायर की शहर से सुनने के लिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि प्रेम के ऊपर श्रृंगार के ऊपर सुनना पसंद करते हैं। और प्रेम और श्रृंगार कोई ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है, जब तक आपके जीवन में श्रृंगार नहीं है, जब तक आपके जीवन में वो रस नहीं है, रोमांस नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है, तब तक आप जिंदगी में एक खोखा बनकर रह जाते हो, एक ढकोसला बन के रह जाते हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम आपका श्रृंगार ही, कोई कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में यदि आप प्रेम के चक्कर में पड़ गए, आप जीवन में पड़ गए तो जीवन में प्रेम में पड़ गए तो निश्चित रूप से आपका हनन होता है, चारित्रिक हनन होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक प्रकृति ने जो चीज़ें घड़ के रख दी है, उस परमेश्वर ने, उस श्री कृष्ण ने जहाँ गोपियों को प्रेम का ज्ञान देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस प्रेम की यदि आप एक कीमत लगाना चाहोगे कि नहीं हम अगर प्रेम को छोड़ दें, अपने श्रृंगार को छोड़ दें, तो हमारी जीवन शैली, हमारी सफलताएं, हमारा कदम चूकती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके जीवन में किसी भी चीज़ के लिए, किसी एक चीज़ के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में बढ़ नहीं सकते, तब तक आप नई चीज़ों को ला नहीं सकते। तो उसी के लिए कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे आसपास एक नदियाँ बहती रहनी चाहिए प्रेम की, उसी नदियाँ, एक ऐसी नदियाँ जो हमें हमेशा शीतल करती रहे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार में धोखे खाए हुए रहते हैं, प्रेम में किसी को अपने आप में जूझने का लगातार मौका मिलता रहता है, लगातार वो परेशान होते रहते हैं, कभी किसी का कोई चक्कर टूट जाता है तो हमारे पास में। तो उसी के लिए मेरी एक गज़ल पेश है आपके सामने, दाद दीजिएगा कि प्रेम की नदियाँ बहती रहीं फिर भी रीत गया समंदर क्यों, कि प्रीत की नदियाँ बहती रहीं फिर रीत गया समंदर क्यों, हे प्रीत पवन के झोंके फिर उठा हुआ है बवंडर क्यों, छूकर अंबर तक की ऊंचाई गर्त में पड़ा हुआ इंसान, सोच में उसे अभी तक भी समझना आया अंतर क्यों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हे फरेबी सोच यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हे फरेबी सोच यहाँ, इंसानियत का आखिर कोई पढ़ा न पाया मंत्र क्यों, अरे लग पड़े हैं मायापति जग में हर चमक रहा सारा संसार, हे औकात कायम रहने की तो जाता अंत में दिगंबर क्यों, इंसान तेरे मन में फिर भी छाया घनघोर अंधेरा अंदर क्यों, इंसान तेरे मन में फिर भी छाया अंदर घनघोर अंधेरा अंदर क्यों। तो जीवन में प्रेम के क्षण सभी के आते हैं, और उन प्रेम के क्षणों को जब वो लिख नहीं पाता है तो उसके मन में कई सारी एक तरह से भावावेश चलते रहते हैं, और वो भावावेश एक कवि की कलम से किस तरह से निकलते हैं, तो उसके जो भाव हैं उन भावों को मैंने अपने कलम से लिखने की कोशिश की है। कि जरूरी है क्या प्यार में, जरूरी नहीं होता कि आपका सहभागी जो है, आपका प्रिय जो है, आपकी प्रेयसी जो है, वह आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चले। प्रेम ऐसी चीज़ है जिसे आप थोप नहीं सकते, प्रेम वो है जिसे आप एक दूसरे के ऊपर लाद नहीं सकते, प्रेम तो वो अंकुर है जिसमें झिंगूर के आहट भी आपको तन तन सुनाए वीणा के तार जैसे सुनाई देते हैं, प्रेम तो वो है जिसे आप
नदिया की धारा के साथ में बहते हुए समंदर की लहरों के साथ में महसूस करते चले जाते हैं। अरे प्रेम तो वो है जो आपको इस धरती से आकाश तक की ऊंचाइयों की सैर करा देता है। प्रेम वो है जो हमारे जीवन में घुले हुए विष को भी अमृत में बदलता जाता है। प्रेम वो है जिसे हम आज महसूस नहीं करते, लेकिन वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमें एहसास कराता रहता है कि मैं तेरे साथ था। प्रेम वो है जिसे हमने हमारे लिए नहीं जाना, जिसे हमने सारे विश्व के लिए जाना। तो उसी प्रेम के ऊपर कि जब आपका सहयोगी सहपाठी, जब आपका प्रेमी प्रेमिका जब आपसे दूर चले जाते हैं, तो उसके पीछे कुछ वजहें होती हैं। उन वजहों के पीछे वो तर्क देते हैं। और तर्क क्या होता है आज के ज़माने में दोस्तों, कि हर चीज़ में तेरे जैसा ही क्यों को, जो तू कर रहा है क्या वही चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या मैं भी वही करूँगी। तो इसके ऊपर मेरी कुछ क्षणिका एक क्षणिका है कि तुम्हारे प्यार से ज़रूरी है क्या तुम्हारे प्यार से उनका राजी रहना, तुम्हारी हर पसंदीदा चीज़ उन्हें भी पसंद आना, तुम्हारी तरह खुले आकाश में झांकना, तुम्हारी हर बात पर खिलखिलाना, हर बात सही ढंग से ही जवाब देना ज़रूरी है क्या, तुम्हारा पागलपन झेलना ज़रूरी है क्या, वो तुम्हारी सारी उम्मीदों पर खरे उतरना ज़रूरी है क्या। अरे वो है यार, और तुम हो। तो दोस्तों, जिस पर से हम लोग, जिस प्यार से हम लोग कई अपेक्षाएं रखते हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके जीवन में आपकी हर चीज़ पर, आपकी हर तरह की चीज़ों पर हंसना मुस्कुराना चाहे। यदि आप सच्चे प्रेम में हो, सच्चा प्यार अगर आपको है, तो निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, उसके साथ में आप कोई शर्त मत रखना, क्योंकि शर्त सिर्फ अपने हिंदुस्तान की, अपने हिंदुस्तान से इश्क की होनी चाहिए, और सारी शर्तों को आपको नज़रअंदाज कर देना। तो बहुत सही अब के मौसम की मार आप भी देख रहे हैं कि हमारे सावन जो थे, कि सावन की ये बादलियाँ ही दुखाती जाए, सावन की ये बादलियाँ ही दुखाती जाए, और खेती हर को जी उड़ो झट मुंडा में आए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने उसी के ऊपर एक छोटी सी मेरी कि बहुत सही अब के मौसम की मार, कि बहुत सही अब की मौसम की मार सुनने में आया है उनकी वो छत गिर गई, कि सुनने में आया है उनकी वो छत गिर गई जिस पर से वो रोज हमें देखा करते थे, सुनने में आया है उनकी वो छत गिर गई जिस पर से वो रोज हमें देखा करते थे। तो यहाँ छला किसी ने और मैं छलता चला गया, छला हर किसी ने मैं छलता चला गया, और अनजान थी राहें मगर मैं बढ़ता चला गया, कि छला हर किसी ने और मैं चलता चला गया, और अनजान थी राहें उन पर भी मैं बढ़ता चला गया, कुछ ने तिमिर की ओर भी धकेलना चाहा मुझे, कि कुछ ने तिमिर की ओर भी धकेलना चाहा मुझे, मगर दीपक था आपका यार और बस मैं जलता चला गया, दीपक था और मैं जलता चला गया, कि लंबी सी चौपाटी वाले जिस बूंदी शहर में मैं रहता हूँ, उस बूंदी शहर के लिए कुछ समय पहले एक झगड़ा हुआ था जो धर्म विरोधी कुछ लोगों ने किया था, तो उसके ऊपर कि ना हिंदू का दोष होता है धर्म में, ना मुसलमान का दोष होता है धर्म में, तो इंसान केवल अपने इंसानी धर्म को जब तक निभाता हुआ चला जाता है, तब तक उसके सामने जात पात और धर्म जाति कुछ मायने नहीं रखती है, कि हम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें कि राम को रमजान में पूछूं या नैनों से बहाऊं नीर, नानक बनके यीशु सूली चढ़ जाऊं या नानक जैसा बनूं पीर, ये हमारे मन में जब तक विचार रहते हैं, तब तक हम लोग अपने जीवन में चाहे जात पात हो, चाहे हमारा धर्म देश हो, कुछ भी हो, उसके प्रति हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने मानव धर्म के आपके लिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ हैं, लेकिन आज माता पिताओं की जो स्थिति है, हम गांव में देखते आ रहे हैं उनकी जो स्थिति हमारे साथ में है, हम देख रहे हैं अपने आसपास के जो परिवेश है उसमें देखते आ रहे हैं कि वृद्धों को बहुत ही दुत्कार मिली हुई है। जब हम हमारे छोटे से बचपन में उन माता पिता की गोद में खेलकर
उनके कंधे पर बैठकर हम कहीं भी निकल जाते थे, हम बिना किसी इस बात की चिंता किए हुए कि हम अभी इस चीज़ की मांग करेंगे और ये हमें मिल जाएगी, उस चीज़ के लिए हम लोग रोते रहते थे और हमारे माता पिता हमें उसे किसी भी तरह से ला करके देते थे। उस माँ के अंतर में कभी ये नहीं आया कि इससे मुझे बुढ़ापे में सुख चाहिए, लेकिन उस माता उस माँ को, उस पिता को दर्द देने वाला बेटा आज विदेश में जाकर अपना सब कुछ सराजाम किए हुए बैठा है, लेकिन बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को छोड़ जाता है वृद्धाश्रम में रहने के लिए। तो इसी दुख को मैंने इस कविता के माध्यम से निकालने का प्रयास किया कि पुराना देता है नवीनता का एहसास, पुराना देता है सदा नवीनता का एहसास, पुराना देता है सदा नवीनता से जूझने का अभ्यास, पुराना देता है सदा रिश्तों से बंधने का खूबसूरत एहसास, पुराने पन में सिमटी होती हैं तल्ख यादें जिंदगी की, और पुराने पन से ही सीख पाते हैं प्रेम के सुकून भरा एहसास। पुराना पुराना ओल्ड इज गोल्ड हम लोग अभी तक कहते हैं, और आपने कोरोना काल में देखा होगा जो हमारा गाँव था, जो हमारी सड़कें थीं, जो हमारे रोड हुआ करते थे, जो गाय बैल हुआ करते थे, उन गाय बैलों की रुंझुन सुनकर, जहाँ हम लोग अपने सांस का पता लगा लिया करते थे, जिस अध्याय को हम पढ़ करके, जिन माता पिता, जिन बुजुर्गों की दादियों की कहानियाँ सुनकर हम अपने जीवन में हमेशा खुश हो जाया करते थे, आज वो हम वही युवक और वही युवा मन और वही नई पीढ़ी आज मोबाइल के सामने अपना जीवन खत्म कर रही है। तो उसी के ऊपर चंद पंक्तियाँ कि बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं होते हैं, बुजुर्ग अपने अनुभवों के बुजुर्ग होते हैं, आप उनके अनुभवों को लेने की कोशिश यदि करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। कि पुराने पन में सिमटी होती है तल्ख यादें जिंदगी की, और पुराने से ही तो सीख पाते हैं प्रेम का सुकून भरा एहसास। वृद्ध पुराना है, वृद्ध पुराना है बात एक पीढ़ी में, वृद्ध पुराना है बस एक पीढ़ी में, वही वृद्ध जो घर के तनाव को तनाव नहीं रहने देता, हर क्षण सिखाता है एक छोटी सी लाठी लेकर भी अनवरत चलना, दिलाता है कृत्रिम आँखों से भी सदा देखते रहने का आभास। अरे जिस वृद्धा की कहानी घर के बच्चों की एक खिलखिलाती हंसी है, जीवंतता भर देते हैं वृद्ध, जीवंतता भर देते हैं वृद्ध, हर पल हर क्षण निर्जीव में दूर। मगर है वृद्ध एक ऐसा वृक्ष जो सदा दूसरे के लिए जीता है, फल देकर पत्थर खाकर भी ताने सुनते रहते हैं, फिर भी आशीर्वचन, अरे सदा भला हो मेरे बेटे का, सदा भला हो मेरे बेटे का, और पोषित करता है नन्हे नन्हे पौधों को, अंधड़ झंझावातों में भी, तपन में भी छाया देते हैं, पेड़ ही तो हैं व्रत, बस उन पेड़ों का सदैव सम्मान करो, उन पेड़ों की सदा रक्षा करो। तो हमारे कुछ साथीगण थे जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके लिए एक गीत भी गाऊं, तो गीत के लिए, गीत जो है हमारे ही देश के प्रति और मेरे इस राष्ट्र के प्रति समर्पित गीत है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने व्यंग्य लिखने की कोशिश करी है, आलोचनाएं लिखने की कोशिश करी है, तो उसी के ऊपर मेरा एक गीत कि इंदिवर उपजाओ रे, कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से सुख को आजाद कराओ रे, त्रासदियों के पंख में तुम इंदिवर उपजाओ रे, इंदिवर उपजाओ रे, कुटिल संग प्रीत की बीन ना बजाओ रे, मूर्ख संग बिने के तुम गीत ना गाओ रे, जो साथ रहे संतोष तुम्हारे, जो साथ रहे संतोष तुम्हारे, तो जग को जीती तुम जाओ रे, श्रृंगारित शब्दों से अपना उपन्यास सजाओ रे, कि रत्नों के भंडार के तुम रत्नाकर बन जाओ रे, अरे सुंदरता के निहित में तुम इंदिवर उपजाओ रे,
सागर की गहराई को मन में उतार, राम को इस धरा पे जन्माओ रे, प्रत्यंचा चढ़ा लो धनुष पे साथियों, अरे रावण को दफनाओ रे, पावन धरा बना कर तुम बस इंदिवर जाओ रे, अरे दुशासन की हवस से द्रौपदियाँ भी त्रस्त हैं, शकुनी सी इस राजनीति में अब राज काज भी व्यस्त है, कौरवों के चक्रव्यूह में फिर एक अभिमन्यु जन्माओ रे, अरे राजनीति के कृष्ण की थोड़ी छवि तो बनाओ रे, उत्साह के बीज से तुम इंदिवर उपजाओ रे, त्रासदियों के पंख में तुम इंदिवर उपजाओ रे। तो दोस्तों ये था मेरा एक गीत। अब जमाना कैसा हो गया है देखिए, हमारा जो जमाना है आप लोग साथीगण सुन पा रहे हैं मुझे बहुत अच्छे से, कुछ नहीं भी आए लाइव तो उनके लिए भी कि रे जमाना ये क्या हो गया, वहाँ रे जमाने ये क्या हो गया, कि ये क्या हो गया हो गया, अरे ये क्या हो गया रे जमाने ये क्या हो गया, नफरत की इन गलियों में देखो प्यार हो गया, अरे भाई बहन की मस्ती घर में बरसों पहले बर्बाद हुई, भाई बहन की मस्ती घर में बरसों पहले बर्बाद हुई, एक माता की बेटे से उम्मीदें बरसों पहले खाक हुई, अरे बाप की दौलत को लुटा के बेटा दारू पीकर सो गया, घर की सारी इज्जत का देखो भाई तोबा हो गया, अरे ये क्या हो गया रे जमाने ये क्या हो गया, नफरत की इन गलियों में देखो प्यार खो गया, अरे मंदिर मस्जिद गिरजाघर में पाखंडियों के धाम है, जिनके हाथ में पैसा है भैया बस उनके बनते काम है, बड़े बने फिरते हैं जो बस दौलत का दाम लगाते हैं, रोका किया था बाप ने हंस के कल उस बेटी का फिर सौदा हो गया, ये क्या हो गया रे जमाने ये क्या हो गया, नफरत की इन गलियों में देखो प्यार खो गया, अरे लाख गुजारिश करने पर बाबू अधिकारी से मिलवाता है, लाख गुजारिश करने पर बाबू अधिकारी से मिलवाता है, रिश्वत की भिक्षा मिलने पर सारे काम कराता है, इस सारे जहां में बस्ती केवल चाटुकारों की सस्ती है, इस सारे जहां में बस्ती केवल चाटुकारों की सस्ती है, आज देखा सड़क पे मैंने फिर एक गरीब भूखा सो हो गया, ये क्या हो गया रे जमाने ये क्या हो गया, नफरत की इन गलियों में देखो प्यार खो गया, अरे देख जमाने तेरे सामने चीरहरण हो जाता है, अरे देख जमाने तेरे सामने चीरहरण हो जाता है, आज हर गली हर चौराहे परिमान आंख मूंद सो जाता है, मेरे प्यारे भारत की जमी पर इज्जत का नंगा नाच है, देखो वो हौसी भेड़िए फिर भी आज भी आजाद है, नए जमाने तेरी नस्ल में कौन पाप का बीज बो गया, ये क्या हो गया रे जमाने ये क्या हो गया, नफरत की इन गलियों में देखो प्यार खो गया, अरे आज हिंद के गाने वाले बस हंसी के बनते पात्र हैं, आज हिंद के गाने वाले बस हंसी के बनते पात्र हैं, हर युवा के सपनों में बसते पश्चिम के सारे राष्ट्र हैं, बसंत बहारों में खोना उस सैनिक को भी आता है, अरे बसंत बहारों में खोना उस सैनिक को भी आता है, पर मातृभूमि के प्रेम में कर न्योछावर सपने वो अपनी जान लुटाता है, रंगरलियों के शिकारों में देखो आज का युवा है खो गया, सच्चे प्रेम की कीमत भूला ये सपना कुछ ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया रे जमाने ये क्या हो गया, नफरत की इन गलियों में देखो प्यार खो गया,
नफरत की इन गलियों में देखो प्यार खो गया। तो ये हमारा जो है हमारे अंदर वो एटीट्यूड रहना चाहिए, वो सकारात्मकता रहनी चाहिए कि हम अपने परिवेश को समझ सकें, अपने देश के प्रति, अपने सच्चाइयों के प्रति हम सजग हो सकें। तो इसी के बाद में एक और कविता मेरी आप लोग समझेंगे। सिद्धांत श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया जो सब्र लेकर मेरी कविताओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कविता पाठ में क्या होता है कि हम लोग कविता हर किसी के अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाती है, और उस अंतर्मन तक जाने के लिए कवि को उसके गहन भागों को जाकर चेक करना पड़ता है, सामने वाले के उसमें विचारों में घुलना भी पड़ता है, उसकी भावनाओं के साथ में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। क्योंकि कवि तो कृपण है साहब, और कृपण को कभी भी, और कृपण वो ऐसा कृपण है कि जिसे साहित्य ने सदैव एक हाशिए पर सरकाने की कोशिश की है। क्योंकि आज हम वैसे कवि रहे जो मंच पर अपनी धाक जमा सकते थे, क्यों? क्योंकि साहित्य के साथ में यदि आप उस कविता को मंच तक पहुंचाना चाह रहे हैं, यदि आप उस कविता के साथ में सराबोर होकर, उस कविता के साथ में सामंजस्य बिठाकर अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप में लोगों से जुड़ाव होना चाहिए, और वह सिर्फ और सिर्फ आप जैसे प्रेमी श्रोतागण और दर्शकगण ही एक कवि को दे सकते हैं। तो मेरी अगली कविता कि खून से सने हाथों से गिरेबान पकड़ी जाएंगी, सामंती तलवारें नन्हे हाथों में लहराएंगी, गठजोड़ों के नाम पर छुरियां घोपी जाएंगी, अरे मौत मासूका बनकर इस गले से लग जाएगी, सड़क किनारे जिंदगी मुख देखती रह जाएगी, सड़क किनारे जिंदगी मुख देखती रह जाएगी। आज हम जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं, हमारी समस्या क्या है? सबसे प्रथम हमारी समस्या जातिवाद, फिर हमारी धर्मनिरपेक्षता का खत्म होना, हमारे मौलिक कर्तव्यों का नाश होना, हमारे सच्चाई का नाश होना, हमारा चारित्रिक हनन होना, हमारे वात्सल्य और प्रेम की भावनाएं जो थी हमारे दिल में वो सब खत्म होना, हमारा करुणा रस खत्म होना, यही सब तो चीज़ें हैं जो खत्म हो चुकी है। और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनके लिए हमारा क्या दायित्व है, उस दायित्व को यदि हम आज भी नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से हमारा हनन होने से हमारा नई पीढ़ियों का सृजन, जो कलात्मक सृजन हम जिसे कहते हैं, रचनात्मक सृजन हम जिसे कहते हैं, वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। तो उस आने वाले भविष्य के लिए मेरे एक कवि के रूप में, एक कवि के क्या आस्पेक्ट्स होते हैं, क्या भावनाएं होती है, उसे मैंने इस कविता में आपके सामने प्रस्तुत किया कि एहसास के अंतर में अश्रु छिपे होंगे, दामन में धरती माँ के कोयले ही होंगे, आदमी के गोश्त से भूख मिटाई जाएगी, अरे सड़क किनारे जिंदगी मुँह देखती रह जाएगी, कि काल चक्र की धुरी से हम छिद रहे होंगे, पत्तों से बदन हम अपने ढक रहे होंगे, जीवन की सींदड़ी महंगाई से बंध जाएगी, कफन बिना ही लाश भी दफना दी जाएगी, सड़क किनारे जिंदगी मुख देखती रह जाएगी, अरे शंखनाद मर्म का हम स्वयं करते जाएंगे, तोपों से खेतों के तोते उड़ाए जाएंगे, रखवाली के नाम पर कमों की भीड़ होगी, सामंतियों की धमक से कोयले उड़ जाएंगी, सड़क किनारे जिंदगी मुख देखती रह जाएंगी, राही प्रेम राह पर अनगिनत गुजर जाएंगे, कि राही प्रेम के राह पर अनगिनत गुजर जाएंगे, नीर भरी आंखों में बस सपने बह जाएंगे, पाजेब की छनछन फिर से कोठियों में बच जाएंगी, कि पाजेब की छनछन फिर से कोठियों में बच जाएंगी, अरे इंतजार करने वाली आंखें बस चुनिंदा रह जाएंगी, सड़क किनारे जिंदगी मुंह देखती रह जाएगी, सड़क किनारे जिंदगी मुंह देखती रह जाएगी। तो दोस्तों ये वो कविता थी जिसे मैंने राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था, और यदि आप समझ पाते हो तो इसके पीछे बहुत गहन अर्थ हमारे जीवन में छिपे होते हैं। हर कविता का जो गहन अर्थ होता है उसे वास्तविक रूप से कवि समझ पाता है, लेकिन जो काव्य के प्रति अपना प्रेम रखते हैं वो निश्चित रूप से कवि की भावनाओं को समझते हैं। तो इसी के प्रति हमारी इस नई पीढ़ी को सृजनात्मक बनाने के लिए, क्योंकि मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ, और कहते हैं कि विज्ञान के छात्र के अंदर कल्पनाशीलताओं का एक संसार बसा रहता है। किसी मित्र ने पूछा, मैं क्या ट्रेन में सफ़र करते हुए जा रहा था, तो एक मित्र है मेरे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझसे पूछा कि
क्या प्रेम का सामंजस्य विज्ञान के साथ में बिठाया जा सकता है? कि प्रेम का सामंजस्य विज्ञान के साथ में बिठाया जा सकता है, तो भाई क्यों नहीं बिठाया जा सकता? अरे यार, प्रेम तो हर चीज में घुला हुआ है। और रही बात हमारे विज्ञान की, तो विज्ञान तो शुरुआत से ही प्रेम की आदि रही है। जिसमें प्रेम नहीं वो विज्ञान के क्या इन्वेंशन कर पाएगा? आप रसायन विज्ञान का छात्र हूँ तो रसायन में हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की विज्ञान पर हम बात करते हैं कि एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जब आप एक प्रेमी की तरह पास में लाते हो, जब उनके मध्य उनके इलेक्ट्रॉन्स का संचार होता है, तो इलेक्ट्रॉन का संचार हमारे उस प्रेमपन का, उस प्रेमात्मक भाव का संचार होना बताया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से उत्साहित हुआ, इधर से एक्साइट हुआ, इधर से एक्साइट हुआ, और उन दोनों की भावनाएं चरम पर जा पहुंची, और वही चरम पर जा पहुंचना उन दोनों का प्रेम बंध बन गया। और वह जो प्रेम बंध बना हमारा, उसे हमने हमारी विज्ञान की भाषा में बंध बता दिया। जो आयनिक बंध सहसंयोजक बंध थे हमारे, उपसहसंयोजक बंध थे, उन्हें हमने उसको बता दिया। तो भाई विज्ञान तो हमारा शुरुआत से ही प्रेम के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि आपका किसी चीज़ के प्रति लगाव नहीं है, उस चीज़ को उस गहनता से जानने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर मन ही नहीं है, तो आपका खाक विज्ञान में इन्वेंशन कर पाओगे? तो हमारी इन चीज़ों को समझने के लिए हमें विज्ञान से जुड़ाव तो रखना ही पड़ेगा। और रही बात हमारे उस प्रेम को विज्ञान से जोड़ने की, तो मैंने बहुत सुंदर उनको उन साहब को जवाब दिया कि चुनता हूँ पीपेट को और चस्का सॉलिड हो गया है। पिपेट जो होती है साहब, वह आर्ट्स वाले बंदों के लिए, कि पिपेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम अपने नाजुक कमल पंखुड़ी जैसे होठों से पकड़ के और उन्हें आसानी से उस लिक्विड को ऊपर चूसते हैं, और वो लिक्विड उस पिपेट के अंदर इस तरह से भर जाता है जैसे एक प्रेमी के मन में अपनी प्रेयसी को देखकर अपने अंतर मन में प्रेमात्मक भाव हिलोरे लेने लगता है। उसके सामने उसको उसकी दीदारी करने के लिए ये नयन प्यासे से हो जाते हैं, सुधा शांत हो जाती है, और उस प्रेम की प्यास उस प्रेमी को इतना उत्साहित कर देती है, इतना भावावेश में भर देती है कि उसे बस सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उस प्रेम को भरने की जगह बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो पिपेट भी कुछ इसी तरह की है साहब, जिसकी चूमता हूँ पिपेट को और चूमता हूँ पिपेट को, चस्का सॉलिड हो गया है। अरे क्या बताऊँ इस इश्क की दास्तां, क्या बताऊँ इस रसायन के इश्क की दास्तां, मेरा रोम रोम एल्कोहलिक हो गया है, मेरा रोम रोम एल्कोहलिक हो गया है। तो प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, यदि आपने पी नहीं है तब भी आपके जाम आपको अपने आप, उसकी आंखें आपको जाम लगती है, उसके हाँ होंठ आपको कमल पंखुड़ी के जैसे लगते हैं। तो उसी प्रेम की नदियाँ बहाने के लिए कुछ लोग, कुछ साथी गण बोर हो गए होंगे, तो कुछ एक प्रेम की बात पर मेरी एक गज़ल है कि ओ हसी मेहरबान जब, और सुनिए एक चीज़ और कि जब हम कहीं कवि सम्मेलन में बैठे हुए होते हैं, आज खैर कम है यहाँ पर, कि जब हम कवि सम्मेलन में बैठे हुए रहते हैं तो वहाँ पर जब कवि एक तड़का नहीं लगाता है प्रेमात्मक भावों का, तब तक उसकी कविताओं का आनंद लेने के लिए वाहवा नहीं उठती। और एक चीज़ और, जब हम लड़कियों के लिए गाते हैं तो लड़कों के दिल से वाहवा आती है, चाहे लड़कों के लिए गाए तो लड़कियों के दिल से वाहवा नहीं आती है। लड़कों के बारे में आप तारीफ कर दीजिए, वहाँ पर आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, लड़कियों का शोर नहीं सुनाई देगा। लेकिन अगर किसी लड़की के ऊपर जहाँ नारी पदार्पण होता है, नारी का जहाँ पर प्रवेश होता है, नारीत्व का जहाँ प्रवेश होता है, स्त्रीत्व भाव जहाँ पर प्रवेश होता है, तो वहाँ पर स्वतः ही, क्योंकि प्रकृति ही सबसे ज़्यादा सुंदर है, ये हम आज तक मानते भी हैं, तो जहाँ तक आपका स्त्रीत्व का भाव वहाँ पर नहीं आएगा तब तक आपके मन से वाहवा नहीं उठ सकती। तो यहाँ मेरे जितने भी साथीगण हैं उनके लिए, चाहे हम लड़कियों के लिए गाएं लेकिन वाहवा तो लड़के ही करेंगे, लड़कियों से ज़्यादा लड़के कर देते हैं। तो उसी के ऊपर मेरी ये शायरी है, गज़ल है। इस गज़ल को मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ओ हसी मेहरबान हो जरा देख मुझको इबादत में तेरी, मैं गज़ल गा रहा हूँ। अरे बहुत दिन गुजारे वास्ते जमाने, अब सिर्फ तुम्हारे लिए खुशी
चला रहा हूँ। बहुत दिन गुजारे वास्ते जमाने तुम्हारे लिए हंसी के पल्ला रहा हूँ। जिन्हें खोजते जुगनू रजनी के प्यार में पड़ा था उन्हीं चंद लम्हों को दोहरा रहा हूँ। फूल भी तो लुट जाता है कि कली भी तो लुट जाती है। प्रेम भौरे के लिए हो जाने तमन्ना में भी उसी में लुटने आ रहा हूँ। कि सयानी तो थी तू पहले भी बहुत, सयानी तो थी तू पहले भी बहुत, पर थोड़ा और रंग जमाने का चढ़ाने आ रहा हूँ। खोल मत देना दरवाजे को बेहयासी, कि खोल मत देना दरवाजे को बेहयासी। मैं हवा बन के घूंघट उठाने आ रहा हूँ। बहुत दिन गुजारे मैंने वास्ते जमाने, अब सिर्फ तुम्हारे लिए खुशी के पल्ला रहा हूँ। कि मझधार सी तू लगती है मुझको, प्रेम की मैं गागर भरने आ रहा हूँ। तू वाह वाह कहे या वाह वाह कहे, तू वाह वाह कहे या वाह वाह कहे, मैं तो तेरे लफ्जों से सवरने आ रहा हूँ। ओ हसी मेहरबान जरा देख मुझको, इबादत में तेरी मैं गजल गा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे प्रेमात्मक भाव जो हैं एक प्रेमी के लिए रहने चाहिए, और वो प्रेम आपका किसी के लिए भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दिल लगाना, फिर मुकरना, बातें बनाना, यूँ इतराना, सहला के बदन नजरें चुराना, बिन बोले बस नैनों से बतियाना, थोड़ा मुस्कुरा के पलके झुकाना, ए हुजूर बंदगी निभाना, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। हाँ दोस्तों, अगर आप प्रेम में पड़े हुए हो तो नहीं नहीं आप नहीं नहीं कहकर भी हाँ हाँ मैं कब अपनी हाँ को बदलते जाते हो, कब अपने मन में अंगीकार कर लेते हो कि आप उसके प्रेम में पड़े हुए हो। चाहे आपका प्रेम देशभक्ति के देश के लिए हो, चाहे आपका प्रेम अपनी सफलता के लिए हो, चाहे आपका प्रेम आपकी किताबों के लिए हो, चाहे आपका प्रेम अपने माता पिता के लिए हो, भाई बहनों के लिए हो, किसी भी सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए उन लोगों के लिए हो जिन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी और नाम अमर कर गए, उस प्रेमात्मक भाव को हम जरूरी नहीं है सिर्फ आपके कामुकता से ही जोड़ा जाए। आपके श्रृंगार का भाव आपकी हर चीज़ के लिए हो सकता है। मेरा नशा किस चीज़ के लिए है, उस नशे में उस चीज़ के लिए जो आपके और जमाने को दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा नशा मैं खुद जानता हूँ कि किस चीज़ के लिए मेरा यह नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक कवि का नशा अपनी कविता के लिए होता है, एक पढ़ाई करने वाले का, एक विद्यार्थी का नशा अपनी पढ़ाई के लिए होता है, और एक देशभक्ति पर लुटने वाले उन जाबाज सिपाहियों का नशा, उन जाबाज फौजियों का नशा अपने देश पर कुर्बान होने का होता है। तो उस नशे को आप बरकरार रखने के लिए अपने अंदर प्रेम का भाव तो जगाते रहिए, कि धीरे 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 मैं भी उनमें बहुत ही खो गया। अब वो उन्हें आप लोग प्रेसी समझिए, आप अपनी पुस्तक समझिए, आप अपनी समाज सेवा समझिए, कि धीरे धीरे मैं भी उनमें बहुत ही खो गया हूँ, धीरे धीरे मैं भी उनमें बहुत ही खो गया हूँ। अरे लगता तो कुछ भी नहीं पर सब कुछ हो गया हूँ, लगता तो कुछ भी नहीं पर सब कुछ हो गया हूँ। तो दोस्तों, ये प्रेम के ऊपर कुछ मेरी क्षणिकाएँ शायरियाँ रही थी, लेकिन एक कवि की कामना होती है कि ऐसा क्या लिखे, कवि की साहित्य की, साहित्यकार की, एक लेखक की, और हर उस
नए रचनाकार के, जो विज्ञान का है, कला वर्ग का है, चाहे व्यवसायिक वर्ग का है, किसी भी वर्ग का हो, उस प्रेमी का एक जज्बा होता है अपने प्रेम प्रेमात्मा की, जो उसने गोल सोच रखा है, जो मंजिल सोच रखी है, उस तक पहुंचने का एक जरिया होता है, और उसकी एक लगन भी होती है, लगन परिश्रम होता है। तो मेरी भी कुछ है कि आंसू आ जाए, पत्थर को माक मिल जाए, इत्तर को नदियां बह जाए, मरुधरा पर चमक उठे अंबर में दिवाकर, गीत गा उठे पंछी, अरे काना की बज उठे बंसी, रिमझिम बरस बरस पड़े बदरा, यौवन का छलक उठे गगरा, धरती गगन हो जाए, ठेसू वन में खिल जाए अनेक, ऐसी प्राणदाता रचना लिख, नाम अमर कर जाऊं मैं, कुछ ऐसा लिखना चाहूं मैं, कोई गीत ऐसा लिख जाऊं मैं, कुछ ऐसा लिखना चाहूं मैं। तो ऐसी मेरी कामना रही है, और उसी के लिए एक शायरी भी रही कि रात आई और उड़ाकर चैन सारा ले गई, रात आई और उड़ाकर चैन सारा ले गई, लगता है अब चरागों से दोस्ती महंगी पड़ गई, कि रात आई और चैन सारा ले गई, रात आई और उड़ाकर चैन सारा ले गई, लगता है अब चरागों से दोस्ती महंगी पड़ गई, अरे मशक्कत की यारियों की जुगनों से बहुत, मशक्कत की यारियों की जुगनों से बहुत, मगर जिंदगी की अंधेरे से ही सारी आँख लड़ गई, जिंदगी की कमबख्त अंधेरे से ही आँख लड़ गई। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कई सारे ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, या समझ भी जाते हैं तो उनके साथ रूबरू होने से थोड़े डरने लग जाते हैं, पर धीरे धीरे करके यदि हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने अंतर्मन में उस चीज़ को छिपा कर रहोगे। एक मोटिवेशनल स्पीकर कुछ नहीं करता है, सामने जब आप अपने सामने बैठे हुए लोगों को देखते हो, हताश हुए लोगों को देखते हो, तो एक कृतित्व जो भाव है, जो रचनात्मक भाव है, आपके अंदर जगता है, और आप वहीं पर अपनी रचनाओं का निर्माण करने लग जाते हो, आप अपनी रचनाओं को उस सामाजिक परिवेश से जोड़कर देखने लग जाते हो, और यही चीज़ आपको अपने आप स्वतः ही सकारात्मकता की ओर ले जाते हुए एक प्रेरणास्पद भाव आपने जगाने लग जाती है, एक नए का जो नयापन है उसका आपको एहसास कराने लग जाती है। तो इसी के लिए अभी हम कोरोना काल में चल रहे थे, तो कोरोना काल में हमने एक चीज़ देखी कि इंसान को इंसान से सिर्फ इतना सा भाईचारा रह गया था, जितना सा वो सिर्फ अपने ख्यालों में सोचता था, अपने दिल से सोचता था, और जिन्हें वह सिर्फ हमेशा जोड़ने के लिए रखना चाहता था। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि इस समय में उन लोगों को भी, उनकी भी सच्चाई पता लग गई, जो कई बार सच्चे बने फिरते थे लेकिन उनकी वो झूठे सिद्ध हुए, और वो झूठे लोग भी हमारे सामने आ गए, जिनकी हमें सच्चाई वास्तविकता में दिखी भी सही। तो इसमें एक चीज़ आई हमारी, शब्द था तालाबंदी, और उस तालाबंदी पर कई लोगों ने डिस्कस भी किया, और वास्तविक रूप से की उस तालाबंदी को कोई समझ नहीं पाया, लगा दिए साफ ताले, कर दिए हमारे तरफ से, हमने तालों को लगा करके घर में बंद कर दिए लोगों को, तो क्या ये वास्तविक तालाबंदी है? तो उस तालाबंदी के ऊपर कि तालाबंदी किसकी होनी चाहिए, वास्तविक तालाबंदी है तो किस चीज़ की, कि तालाबंदी होनी चाहिए हमारी बुराई की, हमारी हीन भावनाओं की, हमारी कृपणता की, और हमारी तृष्णा और मोह की होनी चाहिए तालाबंदी। हाँ, तालाबंदी होनी चाहिए, हमारे पर ही टूटे हाथ ना रुके, हमारे इरादे कभी ना झुके, लालच ना हो कभी मन में हमारे, कभी एक कदम पाप की ओर ना डगे, होनी चाहिए तालाबंदी हमारे स्वार्थ की, हमारी रुग्णता की, हमारी रोती हुई आंखों की, हमारे कलुषित आचरणों की, हम जिए मगर दूसरे के लिए, हम बढ़े मगर सर्वहित में, हम त्यागे मगर परमार्थ के लिए, हम सहे मगर हम पर निर्भरों के लिए, तालाबंदी होनी चाहिए हमारे भोगों की, हमारे असमय प्रेम प्रलापों की, हमारे बेवक्त बेवजह विलापों की, हमारे बेतुके बेमतलब से राखों की, होनी चाहिए जी तालाबंदी। हम सहस्त्र कोटि विचारों के धनी हों,
हम शास्त्र कोटि विचारों के धनी हो, हम जीवों के उद्धारक हों, हम में भी बुद्धत्व जागे, हाँ हम में भी पुरुषार्थ उमगता हो, हम भी चित्त और मन से परमानंद पाए, सो विवेक से अपना ज्ञान जगाए, मगर तालाबंदी मूढ़ता पर, तालाबंदी मूढ़ता पर हो, तालाबंदी अधीरता पर हो, तालाबंदी हमारी कुबुद्धि पर हो, हाँ तालाबंदी होनी चाहिए, तालाबंदी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वास्तविक रूप से यदि हम उस तालाबंदी का अर्थ समझें तो ये जीवन में एक बहुत बड़ा सबक सिखा कर हमारे को कोरोना काल जा रहा है। इस कोरोना काल से हम बहुत सारी चीज़ें सीखें तो हमारी तालाबंदी भी हमारे जीवन को प्रगाढ़ बनाने में, जीवन को सफल बनाने के लिए उन कलुषित विचारों की होनी चाहिए जो कई बार हमारे जीवन में आते रहते हैं, कई नकारात्मक भाव हमारे जीवन में आते रहते हैं, उन सब भावों की हमारी तालाबंदी होनी ही चाहिए। अब एक और हमारी श्रृंगार की कविता कि जब युवावस्था से पहुंचकर आप गृहस्थ में जाते हो, अपना ब्रह्मचर्य छोड़कर जब आप गृहस्थ में जाते हो, वास्तविकता में ब्रह्मचर्य की अगर मैं बात करूं तो ना तो आज कोई वास्तविक ब्रह्मचारी रहा और ना ब्रह्मचर्य को पालन के लिए, उस ब्रह्मचर्य को लगातार रखने के लिए ना आपके पास में ऐसा परिवेश बचा है, ना आपका खान पान शुद्ध रहा। तो हर चीज़ आपको उस ब्रह्मचर्य को, वो ब्रह्मचर्य था जब हम लोग मुनियों के साथ में, गुरुओं के साथ में रहकर और अपना जीवन यापन करते थे, तो वो सब चीज़ें हमारी खत्म हो चुकी हैं, परिवर्तन हो गया है। और वैसे परिवर्तन भी लाइफ भी है कि परिवर्तन संसार का नियम भी है, तो होना भी चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से तो मेरा जो कटाक्ष है वो कटाक्ष कुछ इस तरह का है, जब आप इस युवावस्था से निकलकर गृहस्थ में जाओगे और आपकी एक बीवी होगी, तो बीवी का हमारे जीवन में क्या मोल होता है उसे हम शुरुआत में नहीं समझ पाते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी सही कि आप अभी शादी नहीं हुई है तो आप बीवी के बारे में इतना अच्छा कैसे लिख गए। भाई एक कवि जो होता है ना, वो तो उस उन भावों को भी जा करके पकड़ लेता है जो उसने कभी किया ही नहीं, क्योंकि कल्पनाशील होता है। और जब वो कल्पनाशील कवि विज्ञान का हो तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें तो वैसे ही रचनात्मक रूप से आ जाती है। तो इन्हीं भावों को मैंने कि एक बीवी और पति और पत्नी का प्रेमालाप चल रहा होता है और उन प्रेमालापों के बीच में कुछ झगड़े होने लगते हैं, झगड़ों से प्यार बढ़ता है, तो वो झगड़े जो होते हैं उसको मैंने इस कविता में लिखने की कोशिश की काव्य के रूप में, कि वो समझता क्या है आखिर में कि बात बात पर यूं झल्लाना, बात बात पर यूं झल्लाना, आंखें दिखाकर चुप कराना कोई तुमसे सीखे, कि बात बात पर झल्लाना, आंखें दिखाकर चुप कराना कोई तुमसे सीखे। अरे एक ही कहकर दस काम कराना, एक ही कहकर दस काम कराना, सब्जी की कहकर रसोई संभालना, कि एक ही कहकर दस काम कराना और सब्जी की कहकर रसोई संभालना कोई तुमसे सीखे, अपने काम में 500 का तुकवाना। आपने देखा होगा कि जो पति होता है वो पति अपने पति से हमेशा अपने घर में दबकर रहता है, और दबना ऐसा नहीं है कि उनका प्रेम का हनन हो रहा है, वास्तविक प्रेम का हनन हो रहा है। उस प्रेम का एक ऐसा मोह होता है कि उसे वो प्रेमी पति जो होता है वो बयान नहीं कर पाता है, सुनता भी है, झगड़े भी करता है, उसे लड़ाई, उनमें लड़ाई भी होती है, लेकिन वो लड़ाई जो है वो लड़ाइयाँ, वो छोटे छोटे किस्से, वो हमेशा प्रेमात्मक भाव की ओर ले जाते जाते हैं, उसे प्रेम में डुबोते जाते हैं। तो उनकी इस छोटी छोटी मोटी जो खिचपिच है उसे मैंने कि अपने काम में 500 का तुड़वाना और मेरे काम में पूरा हिसाब बनवाना, पति सोच रहा है ये वाली चीज कि अपने काम में तो 500 का तुड़वाना और मेरे काम में पूरा हिसाब बनवाना कोई तुमसे सीखे, बात बात पर भाई को बुलाना, हर त्यौहार पर मायकी का बहाना कोई तुमसे सीखे, खुद का मन हो तो मंगल में भी दंगल मचाना, अरे खुद का मन हो तो मंगल में भी दंगल मचाना और मेरा मन हो तो सोमवार का व्रत करके सो जाना, कि खुद का मन हो तो मंगल में भी दंगल मचाना और मेरा मन हो तो सोमवार में भी, सोमवार तो मेरा मन हो तो सोमवार में भी व्रत का करके सो जाना कोई तुमसे सीखे। पता नहीं कहाँ से लाती हूँ इतने तरीके,
पता नहीं कहाँ से लाती हो इतने तरीके, बिना माचिस के भी आग लगाना, कोई तुमसे सीखे, चाहे कितनी भी खामियां लगती। अब पति के मन में जो है ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन जब वह सकारात्मक पहलू की ओर जाता है कि यार पति का पत्नी के साथ में और पत्नी का घर में महत्व क्या है, तब उसे समझ में आता है कि चाहे कितनी भी खामियां हो, कि चाहे कितनी भी खामियां लगती हो तुझमें, मगर अक्ल के घोड़े दौड़ा कर परिवार चलाना कोई तुमसे सीखे। देखा होगा आपने कि पत्नी चाहे लड़ती झगड़ती हो लेकिन उसे पूरे परिवार का इतना पता रहता है, पूरे घर का, कि आज ये काम करना है, आज ये चीज़ लानी है, सुनो जी आपको ये चीज़ करनी है, आज आपको यहाँ जाना है, आज आपका एक क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करवाना है, आज टीवी ख़राब हो गया इसे सही करवाना है, आज बच्चे की फ़ीस जमा करवानी है, आज हमारे घर में फला चीज़ नहीं है, उस सबका ख्याल जो है पति बेचारा कुछ नहीं करता, और करने में बहुत कुछ करता है, लेकिन जो एक पति का पत्नी के साथ में जो प्रेमात्मक भाव उसको बताया है पति, बाहर के हमारे भारतीय समाज में निश्चित रूप से ये सोच रही है, पनपी भी है, कि पति का हमेशा एक भाव रहा है कि वह दायित्व रहा है कि परिवार को चलाने के लिए वो बाहर जाकर मजदूरी करे, मेहनत करे और नौकरी करे और वहाँ से पैसे कमा कर लाए, लेकिन परिवार को जो चलाने की जो जिम्मेदारी है वो एक पत्नी की रहती है, और उसे वो लड़ झगड़ कर कैसे भी समझाती है। तो इसी के लिए ये पंक्ति कि चाहे कितनी भी खामियाँ लगती हो तुझमें, मगर अक्ल के घोड़े दौड़ा कर कोई परिवार चलाना तुमसे सीखे। हाँ, लगती तो हो जैसे प्यार ही नहीं रहा, और इन लड़ाइयों में क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारा प्यार खत्म होता जाता है, तो हमें लगता है कि प्यार खत्म हो गया। अरे भाई नहीं है यार, जब आप किसी से सच्चा प्यार कर बैठे हो ना, तो आप निश्चित रूप से कभी ये नहीं सोच सकते कि उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। जब आपने एक अंकुर पैदा कर दिया किसी के दिल में, तो आप कभी खत्म नहीं हो, उसे ये नहीं सोच सकते कि प्रेमांकुर खत्म हो जाएगा। तो हाँ, लगती तो ऐसी हो जैसे प्यार ही ना रहा, मगर फिर भी नजरें झुका कर गले लग जाना कोई तुमसे सीखे, मगर फिर भी नजरें झुका कर गले लग जाना कोई तुमसे सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता को सुनने के लिए, क्योंकि पति और पत्नी जो नहीं बने वो भी बनेंगे, जो आज हैं वो उनके साथ में भी ये हो रहा है, जो पुराने थे उनके साथ में भी यही होता आया है, तो इस भाव को तो हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। और ये सच्चाई है ज़िंदगी की कि जब तक आपके जीवन में कोई ऐसा साथी नहीं आएगा जिसे हम सच्चा साथी एक पत्नी के रूप में मानते हैं, तब तक आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और बढ़ते भी हो अगर तो भी आपका आप किसी भी तरह से अपना एक साथी रखते हो, उस साथी के लिए आपकी उम्मीदें भी होती है और उस साथी के लिए आपका कुछ दायित्व भी होता है, तो हम लोग भी उससे जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। सबका वक्त आता है, हर चीज़ का वक्त आता है, तो इसी के लिए थी ये कविता मेरी कि सस्ताई में भी मैंने मांगे का सस्ताई में मांगे का भी सौदा करना सीखा है। सस्ताई में सकारात्मक भाव लाने के लिए सस्ताई में मंगे का भी सौदा करना सीखा है, और जमीन पर नीड़ बनाकर मैंने अंबर में उड़ना सीखा है। अब जीने की आदत को तू भले बुलाना चाहे जिंदगी कि अब जीने की आदत को तू भले बुलाना चाहे जिंदगी, मगर उठकर गिरना गिरकर उठना पर बस बढ़ना सीखा है, पर बस बढ़ना सीखा है कि आंखें हंसती रहे और आंसू को किया दफन पीछे। जो दिखता है वो वास्तव में किसी के अंदर नहीं होता, जो नहीं दिखता है वो उसके अंदर होता है, और यही जीवन की सच्चाई है जिसे आप बहुत खुश मिजाज समझते हो, निश्चित जरूरी नहीं है कि उसके दुख नहीं है, और जिसे आप दुखी समझते हो जो चेहरे से छलक रहे हैं दुख, वो बहुत अंदर से खुश हो इसका भी आपको पता नहीं लग सकता है। तो इसी के लिए कि आंखें हंसती रही हो और आंसू को किया दफन पीछे, दुत्कारा दुनिया ने भले पर अपनी नजरों में ना गिरा नीचे, सच्चाई से ना हटे कदम झूठे वार भी सहे कई बार, झुका न पाए कोई तूफान बना न पाए कभी लाचार, फौलाद लिए हाथों में मैंने पत्थर को गढ़ना सीखा है, सागर की गहराई से ये जिंदगी मैंने पर्वत पर चढ़ना सीखा है, मैंने पर्वत पर चढ़ना सीखा है कि पता नहीं क्यों इस जमाने में सदा दिखी चतुराई है। जी हाँ दोस्तों, आप जब इस ज़माने के साथ में जुड़ते हो, जब इस ज़माने की तह तक जाते हो, जब दुनियादार वालों के साथ में जाते हो, तब आपको पता लगता है कि वास्तविक सच्चाई क्या है।
कि पता नहीं क्यों इस जमाने में सदा दिखी चतुराई है, बहुत संभल कर रिश्तों में बंधा पर सबको लगी निठुराई है। कुछ खेमों की किस्सा गोई बिसात मेरे जीवन में रच गई, ऐसा लगा जैसे कलयुग के ठेकेदारों की महफिल सज गई। आज अपने नहीं अपनों के लिए मैंने थोड़ा सा डरना सीखा है, हाँ शत्रु नहीं पर थोड़ा खुद से भी लड़ना सीखा है। उठकर गिरना, गिरकर उठना, पर बस बढ़ना सीखा है। और जिस दिन दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, श्रोताओं, वक्तागणों जो यहाँ पर मेरे सामने कुछ हैं, सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि जब आपको जीवन की सच्चाई देखने का मौका मिलता है, उसी जीवन की सच्चाई को जितना जल्दी आप समझ लेते हो, वह सच्चाई आपके साथ में उतनी आत्मसात होती जाती है, उतनी आपके साथ में आपके जीवन में उतरती जाती है। तो जीवन की सच्चाई को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक कविता मैं विराम लूँगा, आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन एक रचना जो है हमारे देश के खातिर मैं फिर से बोलना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ देश नहीं वहाँ आपका कोई भेष नहीं, वहाँ आपकी दारी नहीं, वहाँ आपका कोई पुजारी नहीं, वहाँ आपका कोई मन नहीं है, वहाँ आपका कहीं तन नहीं है, वहाँ आपके जीवन में कोई मंग नहीं है, वहाँ आपका कोई सरगम नहीं है, वहाँ आपका कोई तार नहीं है, वहाँ पर आपका कोई किसी भी तरह का लगाव नहीं है, वहाँ सदैव अलगाव हैं और अलगाव ही होते रहेंगे। और यही जीवन की सच्चाई है कि अगर मैं अपने घर का नहीं तो मैं देश का नहीं, और अगर मैं अपने देश का नहीं तो इस विश्व का नहीं। जहाँ विश्व कल्याण की भावना आपके जीवन में जगेगी, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन में अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ेगा। आप स्वार्थ लेकर के यदि चलते हो तो कहीं पर आपको जगह नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि परोपकार से और आपके जीवन के कर्मों के, जो आपने जीवन में आपके आसपास के परिवेश में देखे, यदि आप उस चीज़ को जो भी आप अपने परिवेश में देख रहे हो, आप अपनों में देख रहे हो, यदि आप अपने अंदर उसे उतारने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप कभी सफल नहीं हो सकते। चाहे आप कितने भी कर्मवान हो, लेकिन उस कर्म के साथ साथ यदि अपनी सच्चाई को, अपने परोपकार को, अपनी निस्वार्थता को लेकर के चलोगे, तभी है अर्जुन तो आगे बढ़ सकता है। और रही बात कि यदि आप जीवन में हताहत होते जा रहे हैं, तो अर्जुन के लिए बोले गए उन वचनों को भी हम भूल नहीं सकते कि हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तो हमारे अंदर जब तक ये भाव रहेंगे कि आप अपनी अडिगता लिए हुए हैं, आप अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए यदि आप सच्चाई से, निस्वार्थता से और करबद्ध होकर लगे हुए हैं, वचनबद्ध होकर लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप कर्म का महत्व भी समझा पाओगे, अपना सरोकार उनके साथ में कर पाओगे। तो इसी के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर कविता सुनिए, बहुत लाजवाब कविता आपको लगेगी, दाद दीजिएगा यदि पसंद आए तो। इस जो पेज है जन सरोकार मंच को, इसको भी आप बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि और मेरा जो है ये आपके सामने कविता है, वाचन हुआ, इनको भी आप शेयर कीजिए। लेकिन हम जब देश के लिए बात सोचते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई अलगाव नहीं रखना चाहिए। इसी पर मेरी कि जब बोटी बोटी खाने को कुत्ते सड़कों पर आमादा हो, जब भूख प्यास से तड़प रहा हो अपना और भंडारों में दबाया आटा हो, जब राजा को तहस नहस करने के मंसूबे बनाता प्यादा हो, जब गौ को दी गई एक रोटी भी गृह स्वामी को लगती ज्यादा हो, तब कैसे अपनी फटती छाती का दर्द लिए मैं चुप जाऊं, तब कैसे लहू से स्याह कलम से लिखने से मैं रुक जाऊं, जब सावन की मध्यम बारिश तूफान लाने के सपने देख रही हो, जब पुरवाई कोमल तन की वेशा की तपन से सेक रही हो, जब मध्यम हो जाए जल्दी की लहरें और आंचल में भूतल के छिप जाए, जब धवल चांदनी हिंदू की देख समय को कुमला जाए, जब वीतराग की हो आड़ तो कैसे प्रीतराग को मैं गाऊं, जब घर के
अंदर आग लगी हो तो कैसे बसंत बहारें मैं गाऊं, जब वीतराग की हो आड़ तो कैसे प्रीतराग को दोहराऊं, जब घर के अंदर आग लगी हो तो कैसे बसंत बहारें मैं गाऊं। जब माटी का कणकण भी त्राहिमाम रुदन करने लगे, जब इस सृष्टि का नाद स्वयं भी स्वकंपित स्वरों से डरने लगे, जब भूतल को अग्नि भी काल की तपन से जलने लगे, जब सागर हो जाए अधीर और मरुधर पर बहने लगे, जब हवन कुंड बलिवेदी बन जाए और तो कैसे तपोवन अपना सजवाऊं, जब जरा हो रही हो मेरी वसुधा तो कैसे अपना यौवन दिखलाऊं, तो कैसे अपना यौवन दिखलाऊं। कि जब सच्चाई जुटलाने को सिर कटने की नौबत आ जाए, जब सच्चाई जुटलाने को सिर कटने की नौबत आ जाए, जब मेरे जिगर के टुकड़े में शत्रु की सोबत आ जाए, जब अपनी ही बस्ती पर गणिका की तोमत आ जाए, जब अपनी जमी के बदले में जीने की मोहलत आ जाए, तब कैसे अपनी सांसों को गिरवी होने से बचा पाऊँ, तब कैसे जिल्लत के मंडप को मैं इज्जत से सजा पाऊँ, तब कैसे जिल्लत के मंडप को मैं इज्जत से सजा पाऊँ, जब घर के अंदर आग लगी हो तो कैसे बसंत बहारें मैं गाऊँ, जब घर के अंदर आग लगी हो तो कैसे बसंत बहारें मैं गाऊँ। तो दोस्तों, ये जज्बा हमारे अंदर रहना चाहिए। आप चाहे किसी भी श्रेणी के व्यक्ति हैं, चाहे आप किसी भी जगह पर, आपका वर्क प्लेस चाहे जैसा भी है, लेकिन जब तक आपके अंदर ये हिम्मत, ये शौर्य के भाव, ये वीरता के भाव, अपने देशभक्ति के भाव आपके अंदर नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में व्यर्थ हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीशी, और ये भाव आपके अंदर रहने ही चाहिए किसी भी हालत में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके सामने मैंने अपनी बहुत कई सारी रचनाएं मैंने सुनाने की कोशिश करी, और ये रचनाएं मेरे जीवन में, आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मकता का प्रहार करेगी, सकारात्मकता को लेकर आएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जन सरोकार मंच टोंक को, आदरणीय देवेंद्र जी को, और हमारे जो भी जन सरोकार मंच से जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों को, कि आपने मुझे सुनने की कोशिश की, मुझे सुनेंगे, आगे भी सुनते रहेंगे, और मुझे सकारात्मक सोच के लिए भी मैं खुद भी प्रेरित होता रहूँगा, और आप भी मुझे प्रेरित करते रहेंगे। मेरे सभी दर्शकों का, पाठकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी दो पुस्तकें अभी तक आ चुकी हैं। प्रथम पुस्तक मेरी काव्य के फूल 2012 में आई थी, और द्वितीय पुस्तक मेरी अनुरागी ने एक प्रेम काव्य कुछ पाठकों की मांग रही थी कि यदि आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेम के ऊपर भी लिखें, तो प्रेमात्मक भाव के लिए भी मैंने लिखने की कोशिश करी, और अनुरागी ने एक प्रेम काव्य आपके आशीर्वचनों से पुस्तक प्रकाशित भी हो चुकी है, अमेजोन पर उपलब्ध है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जन सरोकार मंच से जुड़ने की कोशिश करें, ताकि हर कवि की जो भावनाएँ वह आप तक पहुँच सकें, और मेरे विचार भी आपको निरंतर इस मंच के माध्यम से भी और अन्य मंचों के माध्यम से भी आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय राष्ट्र, और जय हमारे जो अभी इस कोरोना काल के योद्धा हैं, उनको भी शस्त्र शत नमन। मेरा बहुत बहुत उनके लिए हार्दिक अभिवादन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, उनको चरणों में सादर चरण स्पर्श। भी इस कोरोना काल में जो मेरे फौजी भाई बंधु थे, मेरे जो डॉक्टर्स थे, जिन्होंने शुरू में हमारे इस कोरोना जैसे काल में, कोरोना के विपदा काल में आकर हमारे देशवासियों को बचाने की कोशिश करी, वो हमारे लिए वास्तव में शुरू से भगवान रहे। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो उनको भी मेरा शत नमन। उन चौकस करने वाले पुलिस बंधुओं को भी मेरा शत नमन, पुलिस भाइयों को मेरा शत नमन, जिन्होंने दिन और रात को छोड़कर हमेशा हमेशा हमारे लिए अपनी सेवाएं देने का प्रयास किया, जो देश की कि अरे वो पुलिस वाले, ये पुलिस वाले, हर एक की जुबान पर है देखो पुलिस वाले। तो यहाँ पर वो कविता भी मैं कभी सुनाऊँगा आपको, तो इसके लिए आप सभी से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ,
मुझे द स्टार पोइट निमय के नाम से पेज है, वहाँ पर सर्च करने की कोशिश करोगे तो अपने आप मिल जाऊँगा। जन सरोकार मंच पर भी आप मुझे देखेंगे और निश्चित रूप से मेरी कविताओं को जनहित तक जनसंचार मेरा प्रसार मेरी कविताओं से जन सरोकार बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।